हे गाइस, दिस इज मिनी ब्लॉग 2 और आज था 2024 के रमजान का पहला रोजा। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और फटाफट से उठ के चला जाता हूँ बालकनी पे बाहर मौसम का हाल देखने। बाहर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था, जो कि रमजान के दोपहर में एक्सपेक्टेड ही, क्योंकि रमजान की असली रौनक तो इफ्तार के बाद ही पता चलती है। उसके बाद मैंने करी कुछ सफाई करने के बाद मैं हुआ थोड़ा बहुत तैयार। रेडी होने के बाद मैं चला जाता हूँ प्लांट्स को उनकी खुराक देने, क्योंकि हम लोग रोजे से हैं वो नहीं। और ये सब करते करते हो जाता है जोहर का टाइम, तो मैं करता हूँ फटाफट से वजू और नमाज अदा करता हूँ। और नमाज अदा करने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, और लौट कर मैं आता हूँ ऊपर। और ऊपर आने के बाद मुझे दिखाई पड़ता है अपना बेड, और मेरे दिल में से एक चीज़ आती है, रेस्ट। मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ एक नैप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और मेरी आँख जब खुलती है तो हो चुका होता है असर का टाइम, तो मैं जल्दी से उठता हूँ, वजू करता हूँ और असर की नमाज़ अदा करता हूँ। और नमाज अदा करने के बाद जब मैं किचन में जाता हूँ तो वहाँ हो रही होती है इफ्तार की प्रिपरेशन, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। और यहाँ पे कट रहे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, और ये है मेरी बहन जो यहाँ पर फ्लिटर्स फ्राई कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कुछ बनाऊँ, तो मैं फटाफट से चिमनी ऑन करता हूँ और बॉयल कर लेता हूँ मैक्रोनी। सब रेडी होने के बाद मैं लगाता हूँ दस्तरखान और उस पर अरेंज करता हूँ इफ्तारी। और थोड़ी देर में अजान हो जाती है और मैं खजूर से खोलता हूँ अपना रोज़ा। सब लोग साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, और इफ्तार करने के बाद मैं करता हूँ वज़ू, और वज़ू करके करता हूँ मगरिब की नमाज अदा। नमाज अदा करने के बाद मैं करता हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद मैं हो जाता हूँ ईशा के लिए रेडी, क्योंकि ईशा में होती है तरावी, और फटाफट से मैं चला जाता हूँ तरावी अदा करने। मैं मस्जिद पहुंचता हूं और वहां जाके करता हूं तरावी अदा, और तरावी अदा करने के बाद मैं घर लौट आता हूं, और घर आके मैं खाता हूं कुछ फ्रूट्स, और फ्रूट्स खा के मैं चला जाता हूं सोने, क्योंकि मुझे सुबह सहरी में भी उठना था। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।